काम में आएगा सर, विजुअल परमिशन देना चाहूँगा सर। लोकल ऑफिसर्स आते सर, तो आईवी स्कीम जो कंसेप्ट था आईवी स्कीम बैक पार्ट सर, जो कंपटीशन था उसमें मई लास्ट डेट है सर, तो चैन आए तो उसको चैन को और हमारे पास बीच में चैन थे सर, जे सी शर्मा जी यहाँ स्टेट प्रभारी है सर, सेंटर पे हमारे जो सर एरिया वाइज लार्ज कंपेयर करें सर, पॉपुलेशन 5 लाख के आसपास सर, सेक्स रेशियो वी आर हिमाचल के कंपेरिजन में वी आर 10% बिलो सर, दिस इज डेमोग्राफिक प्रोफाइल सर। जो वन ऑफ दी सर यूनाइजेशन चाइल्ड हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका हमने नॉट एग्जैक्टली शॉर्ट एनालिसिस बट इसका एनालिसिस करने की कोशिश की है कि सर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में क्या स्ट्रेंथ है इन डाटा इन प्लेस है सर, आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी हम लोग आई सी में यूज कर सकते हैं सर। चैलेंजेज हमारे पास जो है मैं नेक्स्ट स्लाइड में इनफैक्ट आई विल स्पीक, अगर हम लोग 45 है, 45 में से काफ़ी बेसिस विदाउट, अगर 45 बेसिस है 40 डॉक्टर्स में, इससे ज़्यादा मेरे चले पुश करती हेल्थ सेक्टर में सर, वो 73 हमारे पास खाली हैं सर, कुछ कुछ हमारे पास सब सेंटर जो 31 सेंटर हैं जहाँ एक भी नहीं है, 73 टोटल खाली है बैठे, बट 31 सेंटर ऐसे हैं सर। बिल्डिंग वाइज वी आर वोटिंग फॉर ज़्यादा नहीं है सर, दिस इज ऑल स्पेस, बट इनको जो गाइड करने वाला जो बीच का जो चैनल होता है सब सेंटर्स पे सर वी हैव नहीं रखे हैं सर। कलेक्टर हमने एक तो क्या सर, जो एंगेजमेंट ऑफ डॉक्टर्स फ्रॉम दी अदर इंस्टीट्यूशन, जो हमारे सबसे पहले जो स्ट्रेंथ थी मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में 60+ डॉक्टर्स ज्वाइन कर गए सर और दैट इज गुड। लास्ट वन ईयर ड्यूरिंग से सर 7 सबडिविजन्स में हमारे पास सिर्फ चंबा हेडक्वार्टर पे ही अल्ट्रासाउंड चलता है, जबकि हमारे सारे सब डिविजन पे सर सातों पे अल्ट्रासाउंड मशीनें रखी है और स्ट्रक्चर भी है वेरी गुड रेड क्रॉस सर। वी टेक दैट रेजोल्यूशन, तो किस तरह से हम डॉक्टर्स को मोबिलाइज कर सकते हैं सर। दूसरा सर, इंक्रीजिंग ऑफ डिलीवरी पॉइंट फ्रॉम 7 to 15 के लिए बोला है सर, हमारे पास 7 पॉइंट है डिलीवरी के, उसको 15 का आया उन्होंने सर। हमारा मेजर चैलेंज एचआर है सर, अदर थिंग्स वी विल स्टेट गवर्नमेंट, अगर देखा जाए प्रेग्नेंट वुमेन सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन, हमारी स्ट्रेटेजी मतलब स्टेटस काफ़ी ठीक है कंपेरेटिवली सर। जो स्टेटेड चिल्ड्रन लर्निंग आउटकम है सर, अगर हम कंपेयर करें मैथमेटिक्स की परफॉर्मेंस क्लास 3 में, तो हमारे टीचर भी है वो 50% स्टाफ शॉर्टेज, होटिंग कल्चर 70 to 80%, सो दैट इज सर उसमें अलग। हिमाचल प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक श्री हंसराज जी भी नीति आयोग के द्वारा देश में 115 जिलों को चिन्हित किया गया है, जिसमें कुछ बिंदुओं को लिया गया है, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर, पोषण, इन सारे बिंदुओं पर रैंकिंग की दृष्टि में और चंबा जिला पीछे था। जब वो सर्वे कराया गया था उस समय चंबा जिला पीछे था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन 115 जिलों के बारे में हर क्षेत्र के लिए एक केंद्र से एक आई शब्द नियुक्त किया, एक अधिकारी यहाँ के जिला प्रशासन और केंद्र से एक मंत्री को ही काम सौंपा गया। महिला बाल विकास विभाग को चंबा जिले के रूप से यहाँ पर इस काम को देखने के लिए प्रभार दिया गया। आज मैं जिले में
डी सी महोदय जी के साथ और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठा। यहाँ बहुत विभिन्न विभागों के द्वारा की जा रही कार्रवाई के बारे में जानकारी मिली और कहाँ विशेष रूप से काम करने की आवश्यकता है, ऐसे बिंदु भी सारे सामने आए। और एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जब चंबा जिले का नाम शामिल हुआ था उस समय चंबा जिला रैंकिंग में नीचे था, लेकिन पिछले 4 महीनों में जो है ना चंबा जिले में अधिकारियों के पहल पर इस क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ और आज चंबा जिला नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। आने वाले समय में एक पूरी तरह से सुपोषित चंबा और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में केंद्र की योजनाओं का लाभ लाते हुए गरीब आवासीय लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में और कार्य योजना बनाकर निश्चित रूप से चंबा जिला ना आने वाले समय में 115 जिलों में उभर कर सबसे आगे है। ये राष्ट्रीय पोषण मिशन में ऐसे जो कम वजन के बच्चे होते हैं या ठीकने बच्चे होते हैं या खून की कमी वाले बच्चे पाए जाते हैं, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र की जो हमारी सहायिका होती है वो घरों में जाती है बच्चों को बुलाने के लिए, तो हमारी बहनों को पता रहता है कि इस घर में ये बच्चा जो है ना ये कम वजन का है या इसके अंदर खून की कमी है। ऐसे बच्चों को चिन्हित करके उसको NRC पर उसको भर्ती कराना, 14 दिन तक उसको एडमिट किया जाता है और सरकार 14 दिन तक जब तक बच्चा वहाँ पर एडमिट रहता है उतने दिनों का उसकी माँ को जो है ना मजदूरी का भुगतान करते हैं ताकि उसकी माँ बच्चे के साथ में रहे और इस कारण से बच्चे का इलाज करने में पीछे न रहे कि हम बाहर रहेंगे तो हमारा मजदूरी का नुकसान होगा। साथ ही साथ ऐसी गर्भवती बहनें जिनके अंदर खून की कमी होती है, वजन कम होता है, ऐसी बहनों को भी और आयरन फोलिक एसिड टैबलेट, कैल्शियम टैबलेट और उनको पूरा पोषण देकर और जब माँ स्वस्थ होगी तो आने वाला बच्चा स्वस्थ होगा। और यही प्रधानमंत्री जी सोचे कि जब जच्चा बच्चा स्वस्थ होगा तो स्वस्थ समाज का निर्माण होगा और देश के विकास में भी ऐसा बच्चा जब नागरिक बनेगा तो सही होगा। सर, क्या कारण है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या कम रहती है? क्या आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं और सहायिकाएँ हैं क्या लोगों को अवेयर नहीं कर पाती हैं? क्या रीज़न रहते हैं इसके कि बच्चे कम संख्या में? देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों में आज भी मैं कुछ केंद्रों पर हो के आया, कम बच्चे मिले वहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों के साथ ही साथ जो सुपरवाइज़र हैं और हमारे विभाग के अधिकारी हैं उनको इस बात के लिए हमने प्रेरित किया है कि उन्होंने उनके द्वारा बताया गया कि निजी क्षेत्रों में कई मतलब आसपास ऐसे वो विद्यालय खुले हुए हैं जहां माँ बाप बच्चों को भेजने में प्रेरित करते हैं, पर हमने कहा कि ऐसे बहुत सारे माँ बाप रहते हैं जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होते हैं, अपने बच्चों को वहाँ पर नहीं भेज पाते हैं, इन ऐसे परिवार में संपर्क करके और उनको प्रेरित करके आंगनबाड़ी केंद्रों में लाया जाए। सरकार जो हमारे भवनविहीन आंगनबाड़ी केंद्र हैं केंद्र सरकार के द्वारा उनको पैसा दिया जा रहा है, एक सुविधा युक्त आंगनबाड़ी केंद्र बने और अपने खुद के भवन में उस आंगनबाड़ी केंद्र को संचालित किया जाए। ये महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा नहीं, ये पहले चरण में तो अभी जितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें तो पहले चरण में सबको लिया जा रहा है 115 जिलों में वन स्टॉप सेंटर। उसमें जो हिंसा और उत्पीड़न की शिकार बहनें होती हैं कई बार वो बेचारी बहनें पुलिस तक नहीं पहुंच पाती हैं, अपनी पीड़ा के बारे में नहीं कह पाती हैं, ऐसी हिंसा और उत्पीड़न की शिकार जो बहनें हैं ऐसी बहनों के लिए एक केंद्र की स्थापना की जा रही है। उस केंद्र पर वन स्टॉप सेंटर सखी केंद्र उसका नाम दिया गया है। वहाँ पर उनको पुलिस की सहायता, कानूनी सहायता, उनको मनोवैज्ञानिक परामर्श और उनको आवश्यकता लगे तो 4-5 दिन वहीं रखा जाएगा और ज़्यादा गंभीर समस्या होगी तो फिर उनको स्वाधार चरण को भेजा जाएगा ताकि महिलाओं को संरक्षण मिल सके और उनको कानूनी सहायता मिल सके। गया है उसमें स्वास्थ्य को इसलिए लिया गया है कि जहाँ पर इस तरह की दृष्टि से स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है उसको पिछड़ेपन को पीछे करते हुए आगे लाने के लिए इसको 115 जिलों में शामिल किया गया है, निर्देशित किया गया है और आने वाले वक्त में उसकी समीक्षा की जाएगी। ये जितने जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी हर महीने में समीक्षा होना है और 6 महीने के अंदर जो है ना राष्ट्रीय नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में जो समिति बनी है हर 6 महीने में आदरणीय प्रधानमंत्री जो खुद मतलब इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अगर ये नहीं करते हैं उसके बाद का क्या एडिक्ट रहेगा? नहीं, सरकार करेगी, सरकार मतलब इसको रैंकिंग में आगे लाना है तो सब सारे अधिकारी मिलकर काम करेंगे। ज़्यादा नहीं होता है।